नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां हरिद्वार पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस द्वारा पटवारी पेपर लीक मामले में महीनों से फरार चल रहा 25,000 का इनामी आरोपी अनिल कुमार को कनखल पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसको पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। बताते चले कि 8 तारीख को पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में थाना कनखल पर अनुभाग अधिकारी अति गोपन अनुभाग 3 राज्य लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड जनपद हरिद्वार संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रितु चतुर्वेदी ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के दौरान 14 अभियुक्त और छात्रों के नाम प्रकाश में आए थे। नामजद प्रकाश में आए आरोपियों की पूर्व में हरिद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करते हुए पेपर लीक से संबंधित कई दस्तावेज, कंप्यूटर, पैसे बरामद कर जेल भेजा गया। पटवारी भर्ती परीक्षा जो घोटाला हुआ था, उसका जो एक मुख्य आरोपी अनिल कुमार अनिल ओजस्वी, जो 25,000 का हमारा इनामी भी था, उसको कल कनखल पुलिस और SOG के संयुक्त अभियान से पकड़ा गया है। और इस पर इन मुकदमों के अलावा गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्रवाई लंबित चल रही थी और इसकी पुलिस को लगातार तलाश थी। ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, कल इसको पकड़ा जा चुका है। वही अगली खबर हाथरस से आ रही है, जहां फाइनेंस रिकवरी एजेंटों की वजह से ट्रक से मासूम बच्चा कुचला गया। वही मौके पर दर्दनाक मौत बताई जा रही है। फाइनेंस रिकवरी एजेंट को पीछा करने पर बाइक सवार मां के हाथों से सड़क पर मासूम बच्चा गिर गया और ट्रक के नीचे आकर कुचल गया। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दोस्त की बाइक मांगकर पत्नी और 3 बच्चों के साथ आगरा से अलीगढ़ के इगलास रिश्तेदारी में गया हुआ था। युवक इगलास से वापस आगरा लौटते समय हाथरस के सादाबाद कुरसंडा मोड़ पर फाइनेंस रिकवरी एजेंट ने बाइक सवार दंपति का पीछा किया था। थाना कोतवाली सादाबाद और क्षेत्र के कुरसंडा मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक से मासूम बच्चा कुचल गया है। अगली खबर रायबरेली से आ रही है, जहां एक पति शैतान बन गया है। मायके में रह रही पत्नी को घर में घुसकर गड़ासे से काट दिया। पति द्वारा किए गए हमले में पत्नी के दोनों हाथ कट गए हैं। पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामखेड़ा का ये पूरा मामला है, जहाँ की रहने वाली शिवकला पुत्री स्वर्गीय महावीर उम्र 27 वर्ष की शादी कानपुर के झकरकट्टी निवासी कपिल पुत्र वासुदेव के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी के विवाद के चलते पत्नी काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी, लेकिन देर रात शराब के नशे में धुत पति अपने ससुराल पहुंच गया और घर में सो रही अपनी पत्नी पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पति द्वारा किए गए हमले से पत्नी के दोनों पैर और हाथ कट गए हैं। ये थाना सरेनी के रामखेड़ा गाँव की घटना है। शिवकली उर्फ पिंकी पत्नी के कपिल कुमार पुत्र वासुदेव, जो मूलतः कानपुर का रहने वाला है, अपनी ससुराल रामखेड़ा आया हुआ था। आज सुबह लगभग 4 बजे पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें पति द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया है और जिसके में पत्नी को गंभीर चोटें आई हुई है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। वही अगली खबर आगरा से आ रही है, जहां STF आगरा इकाई और फूड विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। डालडा और इशेंस से बन रहा था ये नकली घी। हजारों लीटर नकली घी की टीम को बरामद किया गया है। 2 महीने पहले ही नकली घी का बनाने का काम शुरू किया गया था। वही नकली घी बनाने वाले के पास से कोई कागज नहीं मिला है। आगरा और दिल्ली में धड़ल्ले से नकली घी की सप्लाई हो रही थी। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में खाली कार्टून और माल बरामद किया है। वही अगली खबर आगरा से आ रही है, जो आज साइबर सेल थाना सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल करोड़ों की ठगी करने वाले 3 साइबर शातिरों को पुलिस ने धर दबोचा है। क्रिप्टो करेंसी में 40-80% लाभ का लालच देकर ठगी का काम कर रहे थे। करीब 10 करोड़ की अब तक शातिर अभियुक्त ठगी कर चुके हैं। अब तक देसी विदेशी लोगों के साथ ये ठगी की जा चुकी है। पकड़े गए अभियुक्तियों में से 4 के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है और 9
ईमेल साथ ही 55 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक टेलीग्राम चैनल बना करके फर्जी रखा हुआ था। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रमोशन वीडियो मैसेज कर लोगों को फंसाया जाता था। वही मेटा, गूगल सहित कई प्लेटफॉर्म पर ये लोग साइबर अपराधी का काम कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही गैंग के सरगना सहित 2 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर इटावा से आ रही है, जहां क्षत्रिय स्वाभिमान मंच दशहरा महोत्सव में शामिल होने के लिए इटावा पहुंचे संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। मीडिया से बातचीत करते हुए दशहरा की प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दशहरा का पावन अवसर है, अन्याय पर न्याय की जीत को पूरे देश और प्रदेश में सरहद और पूर्ण वातावरण में खुशियां और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान से देश में और बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। साथ ही सवाल के जवाब में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से हर समय हर काल में पॉजिटिव सोच के लोग बहुतायत रहते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को नीचा दिखाने के लिए देश के प्रति बाधक बनने का प्रयास करते हैं। इसी की ओर मोहन भागवत जी का इंगित किया गया और आजम खान को डर लग रहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, ऐसा बताया गया है। विजया दशमी का पावन अवसर है, जो असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाता हुआ पूरे प्रदेश और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण में खुशी और उल्लास के साथ मनाने का काम हो रहा है। आज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में, उसमें आज हम लोगों को अवसर मिला है। तो पूरे जन जन को, प्रदेश हर प्रदेशवासी को इस पवित्र मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के चोरी बाजार में माता की जगराता में भजन कार्यक्रम के दौरान 2 नकाबपोश महिलाओं पर मंच पर चढ़कर देश विरोधी नारा लगाने के आरोप के बाद माहौल खराब हो गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि 2 नकाबपोश महिलाएं जगराता में भजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ गईं और पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगाने लग गए। 2 समुदाय में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ये चौरी बाजार में बीती रात्रि देवी जागरण हो रहा था, जहाँ पर मुस्लिम लड़की कोई थी, वो आके उसके मंच पर आ गई और उसने कुछ भी अपना धार्मिक नारे लगाए, जिसके संबंध में उसको ये लोगों ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया जो भी आयोजक लोग थे, और उसको हटा के ले गए। उसी मैटर को लेकर जो हमारे यहाँ पे लोगों का कहना है कि सब पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई। विजयदशमी का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। विजयदशमी पर्व पर पीलीभीत रामलीला ग्राउंड में पूरी तैयारी कर ली गई है, वहीं रावण का पुतला भी बना दिया गया। लोगों की ऐसी मानता है कि लंका दहन करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो समाज की बुराइयों का आज भी अंत होना जरूरी है। जिस प्रकार से रावण का वध करके बुराई का अंत करने के बाद लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, वैसे ही समाज की बुराइयों का अंत करने का विजयदशमी पर प्रण लेकर पर्व मनाना चाहिए। वही हमारे सहयोगी विजयदशमी पर्व पर रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हुई हैं आपको सुनाते हैं। दशमी का पर्व पूरे देश भर में पूरे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इस समय हम पीलीभीत के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं और हमारे साथ भारत सिंह जी जो हैं वो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनके परिवार में पुतला जो है बनाया जाता है और आज जो है यहाँ पर रावण दहन का जो है पुतला जो दहन होगा, और सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। भारत जी, क्या नाम है आपका? भरत कुमार। भरत जी, आपके अगर करें जिस तरीके पुतला दहन का यहाँ पर होता है रामलीला मैदान में, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग 25-30 साल तो हमारे लिए ऐसे बनाते हुए हो गई हैं। इससे पहले हमारे बाबा बनाते थे, श्री दयाल जी, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके बाद से उनके बेटे रिंकू ने बनाना स्टार्ट करा था। रिंकू भी अभी लगभग 5-6 साल पहले खत्म हो चुके हैं, उसके बाद से हम ही बना रहे हैं। आप बना रहे हैं, पिछले 25-30 साल हो गए आपको? जी जी, हमने आपके खानदान में ये पुतला बनाने का। जी जी जी, तो इसे हम कारोबार समझें, ये आपका कारोबार है या धर्म से, धर्म के प्रति? नहीं, कारोबार तो नहीं है, कारोबार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर कारोबार बहुत है जो कंटिन्यू हो हर साल हो, मतलब रोज के रोज हो, ये तो हम लोग एक त्योहार के तौर पे मनाते हैं और एक परिवार में चला आया, वर्षों से बनाते रहे।
लगता है कि कम से कम हम लोग इसमें चीज में कहीं ना कहीं अपना भी योगदान देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इस तरीके हम लोग रावण का पुतला बनाते हैं, उसे दहन करते हैं, अच्छा लगता है। सर ये हमने इनसे बात की, इनसे इनका साफ तौर से कहना कि हर साल जो है तीनों पुतले एक ही दिन पुतलों का एक ही दिन दहन होता था, लेकिन इस बार जो है अलग अलग पुतला दहन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज जो है विजयदशमी का पर्व है, तो जाहिर सी बात है आज रावण का जो है पुतला दहन होगा। बात करी जा रही है जिस तरीके से यहाँ पर जो रामलीला मैदान में जो मेला लगता है वो कम से कम 10 से 12 दिन का जो है मेला लगता है और लगातार ये मेला जारी रहता है जब तक रावण के पुतले का दहन नहीं हो जाता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।